जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हरियाणा सरकार के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर सीएम सिटी करनाल में पहुंचने लगे हैं। आज प्रदेश के सैकड़ों आंगनवाड़ी वर्कर भी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी। प्रदेश अध्यक्ष कुंतला ने बताया कि हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी वर्करों को 1500 और हेल्परों को 750 रुपये बढ़ाने का वादा किया था, परंतु आज तक भी उनकी फाइल पास नहीं हुई, जिसके बाद से प्रदेश भर की आंगनवाड़ी वर्कर करनाल पहुंची। मुख्यमंत्री के वादे के खिलाफ पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव भी किया गया। हरियाणा के अंदर 2018 में 2019 में भी लगातार हमारी यूनियन ने जो है 20 दिन की हड़ताल की, फिर 2019 में एक महीने का आंदोलन चला। मुख्यमंत्री से हमारी जिन मांगों पे सहमति बनी, बातचीत हुई हमारी, और मैं कहता हूँ हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विधानसभा के अंदर भी घोषणा की कि आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को अर्धकुशल और कुशल मजदूर का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन प्रमोशन दी जाएगी, गर्मी सर्दियों की छुट्टी की जाएंगी, एक बढ़ोतरी को लेकर सिर्फ मामूली सी बढ़ोतरी लागू करके उन तमाम मांगों को जो है सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया। दूसरा है कि केंद्र सरकार ने 8 साल बाद, क्योंकि ये जो ICDS स्कीम है ये केंद्र और राज्य दो सरकार इसको मिलकर चलाती हैं, केंद्र सरकार ने 8 साल बाद सितंबर 2018 में 1500 रुपये वर्कर और 750 रुपये की बढ़ोतरी हेल्पर की, और बेकायदा सरकार ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया। हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन के ऊपर नोट चढ़ा के भेज दिया कि हम तो पहले से ही बहुत ज़्यादा दे रहे हैं आंगनवाड़ी वर्कर को, जबकि उसमें हरियाणा सरकार को कुछ नहीं देना था, वो केंद्र सरकार द्वारा ही बढ़ोतरी थी। आज आप देखो हरियाणा सरकार और पूरे जो हमारे मुख्यमंत्री की भी अभी RTI के थ्रू एक जानकारी निकल के आई है कि 1 महीने में 3 करोड़ रुपये यात्रा भत्ता उनका खर्च हुआ है, और आंगनवाड़ी वर्कर के जो केंद्र सरकार को 1500 750 देने हैं उसमें भी हरियाणा सरकार कह रही है कि हम पहले ही बहुत दे चुके हैं। एक तरफ सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे लगातार जब से BJP सरकार सत्ता में आई है तब से लेके आज तक महिलाएं सड़कों पे ही हैं। क्या ये हरियाणा की बेटियां नहीं हैं? और अगर सरकार इन मांगों को पूरा नहीं करेगी तो आज से ही हम जो है यहाँ से आंदोलन का हम जो है आगाज करेंगे और सरकार को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा आने वाले टाइम में। हम जो है अगर हमें टाइम मिल जाता है बातचीत के लिए तो हम जो है सहमत है उनकी बातचीत का टाइम, लेकिन हम कल से ही CM के आवास के ऊपर अपने आंदोलन का आगाज करेंगे और हम जो है वो यहाँ से घोषणा भी करनाल में ही वो शुरू होगा हमारा अगला जो। आज न्यूज के लिए करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।